तो गाइस 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 इस वीडियो को एक कहानी से स्टार्ट करते हैं और ये कहानी अपने उत्तराखंड के टिहरी जिले के एक छोटे से गांव कफलोक से करते हैं। कफलोक गांव से हम चार लोग एक ऐसे ट्रैक पर निकलते हैं जिसका नाम काफी लोगों ने ना सुना हो। अपने उत्तराखंड अपने गढ़वाल की वास्तविकता सुंदरता को एक जगह पर घूमकर कभी नहीं जाना जा सकता, पर अपने पास पानी की कमी थी जिस कारण हम एक ही जगह को एक्सप्लोर कर पाए। आज की वीडियो 7 किलोमीटर आसान ट्रैक का होने वाला है जो कि आधा हमने कल कर लिया था। ये कहानी पीड़ी पर्वत की है जो अभी भी लोगों से काफी परे है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल, होप सो बढ़िया। तो सॉरी अभी हो रहा है गुड आफ्टरनून। तो 2:03 हो रहे हैं। जैसे पिछले वाली वीडियो में बताया मैंने आपको कि बैग पैक कर लिया हमने और मैगी खा के हम एकदम सो गए थे, नींद पड़ गई थी और कोरा कोरा लगा था तो इस वजह से अंदर नींद आ गई थी। तो अभी थोड़ा हल्की हल्की धूप आ रही है तो अब हम निकलते हैं ऊपर। पिछली वाली वीडियो में बताया था मैंने चाचू और घर चले गए और अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं पीढ़ी में। आज हमारे पास एक बोतल और थोड़ा सा कितने लीटर होगा, 1.5 लीटर पानी होगा लगभग। तो पानी पे गुजारा 1.5 लीटर पे करना है पूरा दिन का और कल का भी, देखो ऐसा सीन होता है। चलो तो जी घना जंगल स्टार्ट हो गया है, भयंकर वो जितना भयंकर हो रहा ना, ये क्या बताऊँ बड़ा गंदा। तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करो यार। तो गाइस ये देख सकते हो आप पूरा कितना भयंकर लगा हुआ है। जिस जगह पे हमने जाना है वो चोटी है ऊपर, लेकिन कोहरे की वजह से कुछ दिख नहीं रहा। गाइस मेरे दिमाग में एक बात समझ नहीं आ रही, जब हम नीचे थे ना तो कोहरा साफ था उस साइड को था और हवा भी इस साइड में चल रही है, इस साइड को, ठीक है, जहाँ से हम आए उसी डायरेक्शन में चल रही है ऐसे में। तो नीचे कोहरा नहीं था, जब हम यहाँ पर पहुँचे नीचे कोहरा ऊपर की तरफ आ रहा था और अभी भी कोहरा ऊपर की तरफ आ ही रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा भयंकर। कितना कोहरा आता है बे, सीन ऐसा वाला हो रखा है। तो गाइज ये गांव देख रहे हो ना आप नीचे, ये हमारे गांव के जो ये पीढ़ी का पीछे वाला गांव है मंदार, डोंगू मंदार। ये देखो उधर भी कोहरा लगा पड़ा अभी भयंकर, तो लोग वहां से भी पैदल पैदल आते हैं यहाँ पीढ़ी में। वो अभी देखो आगे जंगल वाला रास्ता है थोड़ा सा हल्के में ऐसे होगा 5-10 मीटर का, फिर जाना हमने यहाँ ये इधर, अरे ऐसा ये जिगजैग वाला रास्ता है खतरनाक। वो देखो ऊपर जाना हमने, फिर वहीं से ऊपर और यहाँ आना हमने इधर घूम के ऊपर। तो यहाँ हमारी लोकेशन होगी ऊपर चोटी पे, यहाँ कह रहे थे ना कोहरा नहीं है, नीचे नीचे कोहरा है, यहाँ नहीं है कोहरा। अभी ऊपर तो एकदम साफ होगा इस साइड पे, इधर इधर देखो अभी तक हम चले ना ये पूरा यहाँ जहाँ हमारा वो है ना टारगेट पीढ़ी,
तो लगभग वहाँ से घर से जितनी दूरी है 7 किलोमीटर है। अब देखो 7 किलोमीटर लग नहीं रहा कि 7 किलोमीटर चल रहे हैं, क्योंकि भाई साहब ऐसी चढ़ाई है ऐसी। तो सीन कुछ ये देखो भयंकर, कैमरे में उतना खौफनाक नहीं लग रहा होगा जितना आंखों से देखने में लग रहा है। देखो कितनी स्पीड से चल रहा है कोहरा। अब उस साइड जहाँ से हम आए ना, अब उस साइड से कोहरा इधर को आ रहा है। तो मंजिल के बहुत करीब, हम बहुत ज़्यादा करीब। ये देखो सीढ़ियाँ आ गई, वो देखो ऊपर, इससे ऊपर कुछ नहीं, अब बस जन्नत यही है हमारे लिए। तो ये देखो पहुँच गए हम पीढ़ी में। जय हो माता दी। ये देखो भाई, जय माता दी। पानी है यार, अभी कोहरा लगा हुआ है ना भाई, व्यू एक नंबर आता है यहाँ से, एक नंबर बोले तो एक नंबर। ढोंडा ही ढोंडा। और ऊपर ये मंदिर सामने। तो जी कैंप लग गया है मस्त ढंग से। ये देखो दोनों कैंप इस तरीके से लग चुके हैं, और इसमें हम सामान रखना अपना, और इसमें हम सोएंगे, ठीक है। और इसी में हम अपना इलेक्ट्रिक का जितना भी कैमरा वैमरा है इसी में रखना अपने साथ ही। तो इसमें सामान इसलिए रखना क्योंकि उस वो छोटा कैंप है, तो उसमें पाँव पसारने में यार दिक्कत होती है। तो इसमें ये सही लगेगा मस्त ढंग से। तो अब सबसे पहले लकड़ी लेने जाते हैं, फिर आग जलानी है, फिर कुछ खाने का इंतजाम। भाई चढ़ाई चढ़ते समय मैगी खाई थी सुबह, उसके बाद कुछ नहीं। तो जी अभी जा रहे हैं हम लकड़ी लेने उसी रास्ते से जिस रास्ते से हम आए, यहाँ से इधर नज़दीक ही जाएंगे हम, ज़्यादा दूर नहीं जाना इस साइड को यहाँ। तो भाई अब जंगल में थोड़ा लकड़ी लेने, बहुत रिस्क भरा काम होता है ये लकड़ी लेना भी जाना, पता नहीं कितनी दूर जाते हैं लकड़ी ले लेने के लिए। तो गाइज अभी लकड़ी लेने गए थे हम, और लकड़ी लेके ऊपर भी चले गए हम। तो अभी यहाँ पे एक नज़ारा देखो भाई साहब, अगर भाई आपको ऊंचाई से डर लगता है ना तो ये वीडियो मत देखना, इस सीन को स्किप कर देना, क्योंकि यहाँ से थोड़ा आपके देखते देखते पाँव भी काम जाएंगे। देख रहे हो एकदम ढलान पे पत्थरों पे खड़े हो रखे हम, जरा सी गलती सीधा नीचे उन जंगलों में खो जाएंगे हम कहीं भयंकर। ऐसा कुछ सीन इधर का, अब आसमान भी साफ होने लग गया। तो अब टाइम टाइम कहती हुई 5 बज गए, और अब चाय पीने का टाइम हो गया, तो अब चाय बनाते हैं, भूख भी लग गई अब। तो चलो ऊपर चलते हैं। तो गाइस अपनी आग भी जल गई है, और मैं आपको हिमालय पर्वत के दर्शन कराता हूँ अगर दिखे कैमरे पे। तो ये देखो सामने पिक दिख रही है हल्की हल्की। तो गाइस ये अपनी चाय बन रही है यहाँ पे मस्त ढंग से। तो गाइस 7 बजने वाले हैं, और अब हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये रख दिया हमने अपना चावल पकाने के लिए, ये देखो यहाँ पे मस्त ढंग से चावल पक रहा है। खाना पका के आपसे मिलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे आग भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है हमें, आग जल नहीं रही, ऊपर से पाला पड़ रहा है और लकड़ियाँ गीली हो रही है। तो पहले आग जलाएंगे, खाना पकाएंगे, फिर मिलेंगे आपसे। तो गाइस आग जल रही है अपनी मस्त, और खाना बन चुका है। अभी हम मंदिर के अंदर भी गए थे, वहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई की और दिया जलाया, उसके बाद हम आ गए। तो मंदिर का सीन मैं कल दिखाऊंगा आपको, ठीक है।
अभी अंधेरे में कुछ दिखेगा भी नहीं, तो एक सीन मैं आपको बाद में दिखाऊंगा खाना खाने के बाद। तो अपना खाना खाते हैं फिर आपको मिलते हैं। आज बनाया हमने आलू का साग और चावल। तो गाइज ये देखो, ये अपना आलू का साग है। तो खाना खाने के बाद मिलते हैं अब आपसे। बड़ी भूख लगी यार बहुत, मतलब अब पानी भी कम रह रखा है, एक ही बोतल रह रखी है पानी की, है नहीं 2 लीटर बस 2 लीटर की पानी की बोतल रह रखी है। और अभी देखो अभी क्या सोचते हैं हम कि कल भी कहीं जाना, हमने पानी जैसा हुआ पानी, मतलब हम डिपेंड है पानी पे। पानी अगर हमें मिला रास्ते में तो हम एक और दिन का कैंप करेंगे, नहीं तो हम सीधा निकल जाएंगे। तो अभी चलो खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो जी ये हमारा खाना है, ये आलू का साग बनाया था। पहले इन आलू को ना हमने ना यहाँ पे भड़ियाने के लिए डाला था अंदर मस्त ढंग से, मतलब भड़ियाना बोले तो अंगारों के अंदर रखा था। तो जब ये रोस्ट हुए ना ढंग से तब इन्हें छिला, फिर इनकी थोड़ा हल्की सी कटिंग करी मस्त ढंग से, फिर इन पर छौंका मारा तड़का लगाया। तो अब खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो जी खाना खा लिया हमने और 8 बज गए। और कुछ नीचे का सीन ये देखो, दिखता कुछ नहीं रहा भाई अंधेरे में, ये सामने की लाइट ही लाइट चल रही है बस। ये जो सामने दिख रहा है ना आपको, ये टीरी है, टीरी से ऊपर सबसे ऊपर हाइट में आ रखे हैं अभी हम। ये देखो सारा गांव उस साइड है जहाँ लाइट जल रही है, देख रहे हो। तो अभी खाना खा के अब अंदर जाते हैं सोते हैं। अब मिलते हैं आपसे कल सुबह, अभी के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर। हे गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 7:30। तो कुछ बाहर का नज़ारा ये धूप आ गई है, नीचे कुछ ये हाल है। तो जी भाई नज़ारा बहुत बढ़िया है। और अभी मैं आपको कैंप का सेटअप बताता हूँ कि कैसा कैंप का सेटअप है हमारा। रात में कुछ दिख नहीं रहा था तो ये देखो कुछ इस तरीके से, एक यहाँ पे लगा रखा था, ये वहाँ पे हम सोए थे और इसमें हमने सामान रखा था। भाई इतनी भयंकर हवा चली थी ना रात को, खतरनाक भयंकर, मेरी तो नींद खुल गई थी 2 बजे से 4 बजे तक, इतनी भयंकर हवा चली ना यहाँ से। और सामने वो देखो हिमालय, और कुछ नज़ारा ये देखो नीचे का है ना, कतई सुंदर भयंकर। और वो चोटी दिख रही है ना आपको, वो वाली ये इस साइड वाली, ये वाली ये है खैट पर्वत, प्रसिद्ध खैट पर्वत। भूख लगने लग गई यार अब। तो अब क्या करते हैं कि पहले सबसे पहले चाय बनाते हैं। चाय बना के आज क्या सीन करते हैं कि ब्यूटन में बनाते हैं आग ना जला के, क्योंकि आग जला भाई बहुत आफत आती है यार। पहले बड़ी बड़ी लकड़ी इकट्ठी करो, वैसे तो आग जला रखी थी हमने वहाँ पे। तो इस हिसाब से पहले आज ब्यूटन में बनाते हैं चाय, जल्दी बन जाएगी। चाय का बंदोबस्त करते हैं, यहाँ पे पानी भी ले दी। सिस्टम कुछ ये है। तो गाइज अभी हम पीड़ी पर्वत में, जो कि उत्तराखंड के टिहरी ज़िले में प्रताप नगर ब्लॉक में पड़ता है, और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,367 मीटर है।
तो जी अब चलते हैं मंदिर के अंदर, आ जाओ। ये कर लो आप मंदिर के दर्शन। सो गाइज अभी सामान समेट रहे हैं और चलते हैं हम यहाँ से दूसरी जगह, ठीक है, नई लोकेशन पे। पानी भी हमारे पास बहुत कम है, 2 लीटर से थोड़ा कम। तो अभी सामान समेटते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइज बैग रेडी हो गया और अब निकलते हैं हम यहाँ से। तो वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी लोकेशन पे। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।